जितनी भी बैक की एक्सरसाइजेस हैं उनसे एक्चुअल में आपका फायदा हो, मसल ग्रो हो, उसके लिए जरूरी है कि एक्सरसाइज करते टाइम आपके कंधे सही पोजीशन में होने चाहिए। आपके कंधे इस तरह से पीछे और चेस्ट आगे की तरफ होगी तब आपको बैक मसल्स फील होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड शोल्डर्स होते हैं, फ्रंट वाले मसल्स टाइट होने की वजह से वो उस पोजीशन में आ ही नहीं पाते जिससे उनके बैक मसल्स एक्चुअल में काम करें। और एक्सरसाइज करते टाइम उनके बाइसेप पहले फटीग हो जाते हैं और बैक के ऊपर सही से लोड नहीं आता। इसको फिक्स करने के लिए एक काम करो, बैक की एक्सरसाइज करने से पहले इस तरह से अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करो 30 सेकंड 40 सेकंड्स के लिए, जिसकी वजह से आपके चेस्ट मसल्स थोड़े से लूज होंगे, आपके शोल्डर्स को बेटर पोजीशन में आने में थोड़ी और हेल्प होगी। अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो इस तरह से हम करते हैं वो हमेशा वर्कआउट के बाद करते हैं, ये आपके दिमाग में आएगा, लेकिन हम चेस्ट को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बैक को ट्रेन कर रहे हैं और चेस्ट की स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसको हमने ट्रेन नहीं करना।